हम ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है। और सुनिए सुनिए, और मोदी जी अपने आप को ओबीसी लीडर कहते हैं, तो उनको हम पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था कि मोदी जी जब प्यार किया तो डरना क्या, आप जो है 50% का ये जो सुप्रीम कोर्ट का है, आपको पार्लियामेंट को पावर है संविधान से, आप लॉ बनाइए और तोड़ जाइए 50% को, डरते क्यों हैं। आखिरी बात, ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन होना ज़रूरी है। जो रोहिणी कमीशन बनाया गया है, मोदी जी उसकी रिपोर्ट भी जनता को नहीं देते, सब कैटेगराइजेशन ज़रूरी है। अगर कास्ट सेंसस होना चाहिए तो फिर आप सीए के लिए अगेंस्ट में क्यों खड़े हैं? कास्ट सेंसस के से सीए से क्या ताल्लुक मैडम? कास्ट तो रियलिटी है, और वो कास्ट का अपलिफ्टमेंट, कास्ट का एम्पावरमेंट, और कास्ट जो कास्ट है उनका कितना नंबर है वो तो मालूम होना चाहिए ना। अगर देश में मालूम नहीं होगा तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे? अगर मैं बीमार हूँ तो मर्ज का तो मालूम होना पड़ेगा, तभी तो दवा लगेगी। तो वही हम कह रहे हैं कि आप कास्ट सेंसस कराइए, और कराने के बाद आपको हाल हकीकत मालूम हो जाएगा, कौन पिछड़ा है, कौन आगे है, कौन कितना दूर है, कौन कहाँ बैठा है। ये डरते क्यों है बीजेपी सरकार कास्ट सेंसस कराने के लिए?